आरा बहुत आगे वाइट लाइन के आसपास आकर पूरे खिलाड़ी घेरने की कोशिश में ताकि पीछे न जा पाए, बोनस न ले पाए। और पाटलिपुत्र बोल गया, पाटलिपुत्र ने पहली रेड शुरू की है 10 नंबर। इस बार बात कमी है पर 1 पॉइंट मगध यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी का 1 पॉइंट से लड़कियों में। उधर चल जाएगा सर, उधर चलिए। बोल गया एक साथ है। और लड़कियों का मैच भी बहुत ही जोरदार चलता हुआ है। यहाँ पर पाटलिपुत्र, उधर पटना, इधर गया, उधर आना। इस बार दर्शकों की तालियां बजा रही हैं कि रेड हुई है। 1 पॉइंट दिया है रेफरी ने। फिलहाल आरा शुरुआती लीड लेता हुआ और बहुत ही शानदार 1 पॉइंट। आरा बहुत तेजी से 6 पॉइंट्स पर, पटना 5 पॉइंट से पीछे। इधर 2-2 की बराबरी पर लड़कों का मुकाबला। दो की बराबरी पर है पाटलिपुत्र। चौकन्ना रेडर चारों तरफ से पहुंचा है, बहुत ही शानदार टैकल, दूसरा टैकल हुआ है। इस बार क्या सुंदर डाइव मारी है और वापस 1 पॉइंट लेकर आएंगे डिफेंडर्स को। टैकल करने की कोशिश की थी चूंकि इस बार पूरी तरह से ठीक है। क्या शानदार मैच हो रहा है। 4 सेमीफाइनल की तरह होगा, सेमीफाइनल लड़कों का और लड़कियों की तरफ पटना। इस बार क्या शानदार वापसी की है। एक साथ एकदम कितना शिकार, कम से कम 2 शिकार। जी हाँ, 2 शिकार पटना जबरदस्त वापसी करती हुई लड़कियों में 6-3। इधर लड़कों का स्कोर 4-4 पहुंच गया स्कोर। इधर गया पाटलिपुत्र को चुनौती देता हुआ। इस बार अब तक खिलाड़ी थे और पूरी टीम एक साथ भारी पड़े। मगध साम्राज्य और पाटलिपुत्र साम्राज्य की जंग थी। अब इस बार 4 खिलाड़ी बचे हैं। बहुत ही अच्छे कुछ मूव दिखाए पाटलिपुत्र के खिलाड़ियों ने। ये 2 और 2.5 है। इस बार बहुत ही शानदार ऑल आउट की तरफ बढ़ती हुई मगध। इतनी आसानी से ऑल आउट देंगे क्या, लगता नहीं है। उन्होंने कैसे डिफेंस किया है, अकेली लड़की ने क्या शानदार डिफेंस किया है। इधर आखिरी दो खिलाड़ी बचे हैं, क्या ये सुपर टैकल होगा? अगर हुआ तो वापसी आ जाएगी, मैच में जान आ सकती है। बहुत ही शानदार खिलाड़ी लग रहे हैं मगध के, पाटलिपुत्र के लीडर भी खुद मिले। सिर्फ 30 सेकंड बचे, 14 और अब वापस आते हुए और इस बार फिर से वही रेडर है, वही दो डिफेंडर्स हैं, नतीजा जरूर अलग होगा इस बार। हुआ उनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे पाटलिपुत्र के योद्धा। आखिरी रेडर है, दम लगा रहा है। 4-8 का स्कोर। छक्का मारकर आरा उठा। धीरे धीरे पाटलिपुत्र की तरफ सरकता हुआ, काफी टाइम बाकी है, अभी आराम से वापसी हो सकती है। मगध के खिलाड़ी काफी फुर्तीले हैं, शुरुआती भीड़ की है पाटलिपुत्र ने। ये दो साम्राज्य का मुकाबला था और उधर 19-3 बहुत ही लंबे कद के खिलाड़ी को भेजा है कि अगर कोई पकड़ता भी है तो उनके लंबे हाथ। बिल्कुल वही हुआ, बिल्कुल वही हुआ जो मैंने कहा। उन्हें पकड़ने की कोशिश तो इतना लंबा कद का खिलाड़ी है कि अगर वो उधर पटना लगातार चरण स्पर्श करता हुआ आ रहा था और 21-3 स्कोर है। ये जब हुटर बचता है और लेकर वापस आए, क्या शानदार वापसी है मगध की, स्वागत कीजिए। 9-11 लंबे रेडर और बहुत ही लंबे डिफेंडर, देखते हैं किसका मुकाबला। पता है और बहुत ही शानदार और लग रहा है कि सेमीफाइनल हो रहा है। पूरे बिहार से आवाज पहुंच रही है, मगध तक जा रही है, आरा तक जा रही है और इधर पटना वाले लगातार गिफ्ट के तौर पर। बहुत ही शानदार, पटना की लड़कियां मेहमानबाजी करती हुई आरा मेहमान बनकर आए पटना में, तो उन्होंने कहा कि आप ही के लिए फाइनल। 25-3 का लीड है, अभी काफी समय बाकी है। ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी जो स्कोर दिख रहा है उसके आधार पर पटना अच्छे मेहमान की भूमिका में। इधर देखिए 11-12 लगातार एक टीम रेड करती है, दूसरी टीम टैकल करती है, फिर दूसरी टीम लगातार पलटवार। पहली बार ऐसा लग रहा है ऑल आउट कर दिया है इधर और 4 पॉइंट 1+3। पंद्रह-12 पहली बार पिछड़ते हुए। हाफ टाइम के बाद लड़कियों में स्कोर है आरा 26 और पटना 3। मुकाबला लड़कों का जबरदस्त मुकाबला, दंगल चलता हुआ, लेपंगा, शक्ति और साहस का प्रदर्शन। मगध के भारी भरकम खिलाड़ी पाटलिपुत्र अलग तरीके की रणनीति लग रही है, दाएं बाएं बरस रहे हैं और पूरा समय दे रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, 15-12 का स्कोर बहुत नाजुक है। और ये बड़े लंबे लगे, मगध ने लंबे लंबे खिलाड़ियों को मौका दिया है। और इस बार एक और पॉइंट जो अभी तक पहले 10 मिनट में देख रहे थे, वो ऐसा मान रहे थे कि पाटलिपुत्र आगे जा रही है। अब तख्ता पलट दिया है मगध साम्राज्य ने, 2 और 2.5 है। इस बार पाटलिपुत्र को कुछ करके यहाँ आना होगा, नहीं किया तो बाहर जाएंगे। कर लिया है 2 और 2.5, देखना पड़ेगा, रेफरी के इशारे का इंतजार है। 16-13। उधर हाफ टाइम के बाद लड़कियों का खेल वापस शुरू। आरा ने पहला मैच खेला था। एक और पॉइंट मगध, 4 पॉइंट्स के फासले पर 17-13। इस बार हल्का सा और बिल्कुल हल्का सा बाहर जाएंगे 10 नंबर के रेडर। और पिछले मैच में हमने देखा था जय नारायण का इस्तेमाल बार बार कर रही थी। इस बार उसी डील डॉल के खिलाड़ी को उतारा है मगध ने, और उनके जाने पर पाटलिपुत्र थोड़ा पीछे खिसक जाती है कि वो आए और वापस लौट जाए। उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं है। उधर आरा और पटना का मुकाबला, कहानी वही चल रही है। पटना की लड़कियां लगातार, और यहाँ देखिए हेलो आनंद मुंगेर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंचते हुए तो प्रयास किया आनंद मुंगेर। इस बार फर्क पहुंचा है पाटलिपुत्रा को, एक और पॉइंट मिलेगा। थोड़ा थोड़ा पलटवार करते हैं लेकिन उतना काफी नहीं होगा। पॉइंट का डिफरेंस 4 लगातार पिछले 4-5 मिनट से बना हुआ है। और उधर पटना और आरा में लगभग तय हो चुका है कि कल राज्यपाल महोदय कौन सा फाइनल मैच देखेंगे। इस बार एक अच्छा टैकल, रेडर को आउट किया है, बहुत ही अच्छा टैकल किया है। पटना की लड़कियों ने 4 पॉइंट्स पे गए हैं। इस बार बहुत ही शानदार टैकल, देखना पड़ेगा रेफरी का इशारा। आप पॉइंट मिला है, बहुत करीब हो गया है मामला फिर से। 19-17, पाटलिपुत्र जबरदस्त वापसी करते हुए। इस बार बेहद लंबे खिलाड़ी को भेजा है। इस बार 17-19, क्या ये गैप और कम होगा? होना ही चाहिए। इस बार बहुत अच्छी कोशिश थी, तेजी से वापस घूमे लेकिन खाली हाथ वापस। हैवी वेट रेडर को भेजा है, 2 और 2.5 रेड है, और इस बार सफल रहेंगे। पॉइंट्स का डिफरेंस बढ़ता हुआ, लड़कियों का मुकाबला ज्यादा कुछ बचा नहीं है। 6-31। लड़कों के मुकाबलों में काफी कुछ बचा है, अभी बिल्कुल हाफ टाइम भी नहीं आया है। और बहुत ही शानदार मैच देखने को मिला अभी तक। क्या शानदार रेड करके वापस लौटे हैं। इधर दोनों टीमें बढ़िया कोशिश कर रही हैं, लेकिन कहानी अभी वही है। इस बार एक और पॉइंट, हाफ टाइम हुआ है और बहुत बढ़िया। हाफ टाइम से ठीक पहले 2 नंबर की जर्सी वाली खुशी वापस कुर्सी पर। इधर मैच शुरू हो चुका है लड़कों का। कहानी वही है, मगध इस ब्रेक में फासला अब 6 अंकों का। इस बार बहुत ही शानदार डिफेंस किया है। मैच वापस शुरू है। मगध के सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं। और एक और खिलाड़ी को कम करके पहुंच चुकी है आरा। 11 पर पटना पूजा आई है रेट को 8 नंबर की जर्सी में। और पूजा भी वहीं पर रिकॉर्ड पॉइंट लेकर जाएंगे इस बार आगे। और ऑल आउट इस तरह से मगध यूनिवर्सिटी ने जो शुरुआती जो पिछड़े थे उसको पूरी तरह से भर दिया है और बहुत लंबी लीड के साथ 29-17 पे पहुंच गए हैं। उधर आरा का क्या हाल है? पटना की लड़कियों की राह पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 32-17 स्कोर का गैप काफी बढ़ता हुआ। उधर 48-11 जी नहीं, इस बार वापसी की है। बहुत पटना 11, आरा 48। इधर पाटलिपुत्रा और वहां पटना। आरा 49। आरा की लड़कियां गजब तैयारी से आई हैं इस बार। और वहां देखिए आरा की लड़कियों ने फाइनल में पहली टीम है जो फाइनल में पहुंची है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आरा का। पहला मैच भी आरा खेलेगी। गुजार प्रिंट इधर मगध और पाटलिपुत्र की तरफ लौटते हैं। उधर आरा में लड़कियों ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है और यहाँ पर मगध लगभग लीड देता हुआ निर्णायक 43-24 शुरू के कुछ मिनट बहुत ही शानदार चले, सांसें रोकने वाला। उसके बाद धीरे धीरे फिलहाल स्कोर एक तरफा सा लगता हुआ 4-3-2-4 आनंद मुंगेर